वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे दूध की मलाई से व्हिप्ड क्रीम, और सिर्फ 3 मिनट में मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। साथ ही साथ आपका जो सारे डाउट है वो भी मैं आज क्लियर करूंगी कि जब हम व्हिप्ड क्रीम बनाते हैं तो क्यों नहीं बनती है, कैसे उसका मक्खन निकल आता है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने दूध की मलाई ली है। 1 कप मैंने दूध की मलाई ली है। दूध जो है अच्छा गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा जो है पुरानी मलाई हमें नहीं लेनी है। यहाँ पर मैंने 5 दिन की मलाई इकट्ठी की थी, तो ये 5 दिन की मलाई है। और जिस बर्तन में हम व्हिप्ड करेंगे उस बर्तन को भी हमें फ्रिज में रखना है, ठंडा होने देना है। तो इस बाउल को भी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए। बस इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसकी व्हिप्ड क्रीम बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो क्रीम है वो भी ठंडी होनी चाहिए, और जिस बर्तन में हम इसको फेटेंगे यानी कि व्हिप्ड करेंगे तो वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करूंगी। ये देखिए क्रीम, जैसे आप व्हिप्ड करते जाएंगे ना तो ये बिल्कुल जो है थिक होती जाएगी। अभी आप देख सकते हैं इतनी थिक हुई। अभी मैंने इसको 1 मिनट के लिए ही फेटा है। इस क्रीम को अभी हम केक में यूज में नहीं ले सकते। केक आइसिंग करने के लिए हमें क्रीम को अभी और व्हिप्ड करना होगा। आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमारी क्रीम में बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हुआ है। ये जो अभी क्रीम बनी है इसको हम आइसक्रीम बनाने में यूज में ले सकते हैं, और व्हिप्ड फ्रूट क्रीम बनाने में हम इसको यूज में ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और फेट लेते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, शुरू में हमें कम स्पीड पे ही फेंटना है, फिर धीरे धीरे हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। ये देखिए व्हिप्ड क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल हमें इस तरह की व्हिप्ड क्रीम बनानी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए चम्मच को उल्टा करने पर भी। अब ये जो हमारी व्हिप्ड क्रीम बनी है इसे हम केक के आइसिंग में या कपकेक बनाने में डेकोरेट कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम को बनाते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है, तो वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह स्पून से भी व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं। इस तरह का हैंड विस्क आता है, इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब हमारी दूसरी टिप्स वो है कि हमें मलाई अच्छी लेनी है। अच्छी मलाई कैसे आएगी, तो इसके लिए हमें दूध जो है फुल क्रीम लेना है, गाढ़ा दूध हमें लेना है, तो मलाई भी थिक आएगी, जिससे कि है हमारी व्हिप्ड क्रीम आसानी से बनेगी। आज का हमारा तीसरा टिप्स है कि व्हिप्ड क्रीम बनाते समय हमें जो मलाई है वो फ्रेश लेनी चाहिए। ज्यादा पुरानी मलाई हमें नहीं यूज में करनी है। 10-15 दिन की स्टोर की भी मलाई हमें यूज में नहीं लेनी है। व्हिप्ड क्रीम को हमें ज्यादा व्हिप नहीं करना है, उतना ही व्हिप करना है जितना कि उसके स्टिफ पीक्स जो है हम देख सके। ज्यादा व्हिप्ड करेंगे तो उसका जो है बटर निकल आएगा। हमारी पांचवी टिप्स है कि हमें बाउल को जो है ठंडा करना है। जिस बर्तन में हम व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे वो ठंडा होना चाहिए, और क्रीम भी जो है बिल्कुल अच्छी ठंडी होनी चाहिए। तो इसके लिए 10-15 मिनट पहले ही आप इसको फ्रीजर में रख दें। हमारी छठी टिप्स ये है कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो अभी हम कंटिन्यू व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे तो उसका जो मक्खन निकल आएगा। तो आप थोड़ी सी देर फेट के इसको फ्रीजर में रख दे 10 मिनट के लिए, फिर दोबारा आप इसको फेटे तो आसानी से आपकी व्हिप्ड क्रीम बन जाएगी। और हमारी सातवीं टिप्स ये है कि आप व्हिप्ड क्रीम बनाते समय जो बाउल है उसके नीचे आइस क्यूब रख दे, उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम बनाए आप, जिससे भी आसानी से व्हिप्ड क्रीम हमारी बन जाएगी। क्योंकि व्हिप्ड क्रीम बनाते समय मेन बात यह होती है कि इसका जो है टेम्परेचर बिल्कुल जो है ठंडा रहना चाहिए, यानी जितना ठंडा हम उसको रखेंगे उतनी ही अच्छी व्हिप्ड क्रीम बनेगी। जब हम इलेक्ट्रिक बीटर से बनाते हैं तो हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है वो गर्म हो जाते हैं, तो उसका मक्खन निकल आता है। तो आप नीचे आइस क्यूब रख के भी बना सकते हैं। अब मेरी नेक्स्ट टिप्स ये है कि यदि आप मार्केट की क्रीम ले रहे हैं तो वो हेवी ही चूज करें। क्रीम का जो फैट है वो 30% होना चाहिए, तभी क्रीम जो है अच्छी व्हिप्ड बनेगी। लो फैट क्रीम हम यूज में लेंगे तो वो जो है पतली बनेगी और फ्लफी भी नहीं बनेगी। तो कुछ छोटे छोटे से टिप्स थी जो मैंने आज अपने वीडियो में आपके साथ शेयर की। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जब आप व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी व्हिप्ड क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करोगे तो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें।
मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।